आदर देने वाले। मौलवी फकीरुल्लाह साहब ने आख्या इन्होंने किताबों का ऐलान कर दिया, हादसा करबला का पसपंदर, अली हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद अहले बैत, इमाम हुसैन वाकया करबला, बिस्मिल्लाह। इन्हों दिनों जेडे हज़रत अबू बकर का शुरू कर लेंगे, हूँ एक मौलवी साहब ने बयान किया मेरी मस्जिद हज़रत अबू बकर से दरस देता, हज़रत अबू बकर साढ़े सिर देता आ गया। मैं वेला कवेला बंदा देखे भी दिन के दे है, तुहानू हज़रत अबू बकर हूँ याद आया, उन्होंने उस जमाने याद कर रहे जो उन्होंने फात हुई है, हज़रत उमर और हज़रत ए हूँ नवी गल शुरू कर ली है, फारूक और हुसैन दोनों का दिन मना। रब गवाह जिथे लिखा ना मैं पहली तारीख में हज़रत उस्मान उमर फौत हुए, अगे ही लिखा भी झूठी गल, जड़ी मर्जी किताब कर लो और पिछले जुलहज फौत हुए, तीन दिन जख्मी रह फौत हुए दफन हो गए, मगर पंगा रहना इन्हें मौलियों ने, जरूर कोई ना कोई फसाद शुरू हो। हज़रत फारूक आजम का मुहर्रम ना कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने शहादत जी वो बिल्कुल कट के किताबों में जुलहज दी है। इमाम हुसैन गरीब का हिस्सा रहा, गरीब तौबा तौबा मैं कहता जरा मुहब्बत ना, वरना वो गरीब है, जन्नत के जवानों के सरदार है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दोवें जन्नत के जवानों के सरदार है, बाबू हुमा खैर मैन ते बाप इन्हों का इन्होंने दोवों ने वड्डा ते माँ इन्हों की जी जन्नत की औरतों की सरदार या तो सारा हदीस का दफ्तर लपेट के समुंदर बरूद करो इन्हों तो जे इन्ह हदीसों मनते जे जिन्होंने हजूर ने दर्जे दिते उन्होंने की बेदबी ना करो, उन्होंने मुहब्बत करो, अहब अल्लाह मन अहबा हसना हुसैन, अल्लाह के रसूल कह गया तो अल्लाह वो ही मुहब्बत करता जो हसन और हुसैन ना मुहब्बत करता। इन्हों बंद चो आम बंदे ना मनो, ये हजूर के टुकड़े आ, इन्हों वैर और दुश्मनी ना अपने सीने रखो, वरना जिमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाया सही मुस्लिम बखरा बाब है कि नबी ए उम्मी अल्लाह के रसूल ने मैंने आख्या अली तेरे ना मैं मैद करना वह जिस खुदा ने दाना उगाया तो रूहां पैदा कर हज़रत अली वो कसम खा के आँदी हजूर कह गया मैनू वह तेरे ना मुहब्बत ना करूगा सिवाए मोमिन दे और तेरे ना बुज ना रखूगा सिवाए मुनाफिक दे, ईमान वह जरा खराबी है वरना तेरे ना दुश्मनी करे। जे ऐलान करके हजूर ने आख्या जरा मेरे ना मुहब्बत करता उत्ते लाद ना कली ना मुहब्बत करे, इस तो रब तौफीक देवे ते मेरा शेर सारी दुनिया नूं सुना दिओ कि अल्लाह दे रसूल बैन काना जंबी हुब वाले मुहम्मद, अरबी का शेर कि जे तुसीं चाहुंदे ने मौलवी साहब दा गुनाह कोई अहले बैत ना मुहब्बत रखदा, बैन काना जंबी हुब वाले मुहम्मद फज़ालिक ज़म्ब लस्तु अना तुम, ते ओ गुनाह जिते मैं नहीं तौबा करनी, मैनू मार दिओ कतल कर दिओ मगर रसूला की औलाद न मैं छड़ दिया, उन्होंने मुहब्बत ना करा, ये जे गुनाह ना तुहाडे नज़दीक इस गुनाह तो तौबा नहीं होनी, तुसीं उन्हां दी मुहब्बत छुड़ाउणा चाहुंदे जिन्हां नाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र मुहब्बत करदे रहे। अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद नबी अल उम्मी वाज़वाज उम्महातिल मोमिनीन वज़ुर्रियतिही वअहले बैतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर अल-इस्लाम वल-मुस्लिम, इत्थे दरम्यान मैं रोक के आ गया, पाकिस्तान के बारे कोई कलमा बुरा ना सुनया करो, कायद आजम के खिलाफ प्रोपगंडे बच्चे नवें एवं पोटकुने वली खां लिया जी फलाने सारे आप बेईमान से गद्दार से मुल्क के, तुसी क्यों नेक लोगों के नाल वैर मुरला लेंगे, जिन्हां लोगों नूं तहरीके पाकिस्तान का पता रोसे जिन्नी कोश होई बाद इन्होंने की लुच तले इन्हों का अपना कसूर है। पाकिस्तान एक ऐसा खिता जिहड़ा समझो जिवें मस्जिद खरीदी जी ने इदां है, बाद लोग ये शराब खाना बनाते कसूर यदा पाकिस्तान का बुरा ना चाया करो, ना ये खिलाफ कोई सोचो, ये खैर मंगो कि अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, ये हुक्मरानों हिदायत दे, उन्होंने बुरा की चकना साढ़े ही पाई है, हिदायत दे और इस मुल्क की बेहतरी करो, अगर उनकी किस्मत हिदायत नहीं तो अल्लाह उन्होंने तो सानू नजात दे और कोई अच्छे बंदे साढ़े हवाले कर दे। अल्लाह